फ्रेंड्स, ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है मॉडी मेथड। तो इस मेथड को यूज करके हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने से पहले हम लोगों को इस टेबल के लिए इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना होगा। उसके लिए हमारे पास तीन मेथड है जिसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहला है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, दूसरा है लीस्ट कॉस्ट मेथड और तीसरा है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से तो हम लोग ऑलरेडी मॉडी मेथड को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल को अप्लाई करेंगे और हम लोग अपना इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे। उसके बाद हम लोग मॉडी मेथड को अप्लाई करके ये चेक करेंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन आया है वो ऑप्टिमल है या नहीं। अगर ऑप्टिमल है तो अच्छी बात है, अगर ऑप्टिमल नहीं है तो हम लोग उसको और आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहला तो हमारा स्टेप होता है कि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है ये चेक करना कि वो बैलेंस्ड है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, चेक करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे पहले टोटल सप्लाई इक्वल टू, टोटल सप्लाई क्या होगा सबको ऐड करेंगे, 250 प्लस 350 प्लस 400 सबको ऐड करके आ जाएगा 1000। इसी तरीके से हम लोग टोटल डिमांड निकालेंगे, टोटल डिमांड इक्वल्स टू सबको ऐड करेंगे 200 प्लस 300 प्लस 350 प्लस 150 तो सबको ऐड करेंगे, यहां पर भी आ जाएगा हमारा 1000। तो देखिए, अब जो है हम लोग को पता चल गया कि हमारा टेबल जो है वो बैलेंस्ड है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है सिंस द प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एज द टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड। इसके बाद हम लोग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, वी फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बाई नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल एज बिलो। तो जो हमारा टेबल था, मैंने वहां पे टेबल इस तरीके से बनाया है, अंदर का वैल्यू और ये है सारा हमारा सप्लाई और ये डिमांड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के लिए हम लोग क्या करते थे, जो हमारा नॉर्थ वेस्ट में जो हमारा वैल्यू है उसको चूज करते थे, उसके साथ हमारे पास जो सप्लाई है और ये डिमांड है। तो इसके साथ हमारे पास सप्लाई है 250 और 200 डिमांड है। तो डिमांड दोनों में से मिनिमम जो है वो 200 है, तो 200 हमारा जो है सेल के अंदर जाएगा। तो ये हो जाएगा 200। तो जैसे ही 200 अंदर लिखेंगे, ये 200 हो जाएगा जीरो और ये 250 है, तो 250 माइनस 200 हो जाएगा 50। जैसे ही हमने इसको जीरो किया है, इसके साथ जो हमारा ये वाला पूरा कॉलम है इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, अब जो हमारे पास जो टेबल बचा है उसमें से देखिए नॉर्थ वेस्ट है ये वाला, तो 1 के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 के साथ हमारे पास सप्लाई है 50 और डिमांड है 300। तो सप्लाई और डिमांड में से जो है मिनिमम सप्लाई है 50, तो 50 को हम लोग सेल के अंदर लिख देंगे और ये सेल को हम लोग एलोकेट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 50 माइनस 50 जीरो और 300 माइनस 50 यानी कि 250। तो जैसे ये वाला जीरो हुआ, इस पूरे रो को हम लोग डिलीट कर देंगे। इसके बाद है जो हमारे पास जो टेबल बचा है ये, इसमें देखिए हमारे पास नॉर्थ वेस्ट ये वाला एलिमेंट है 6 के साथ हमारे पास सप्लाई है 350 और डिमांड है 250। दोनों में से मिनिमम है 250, तो 250 को हम लोग अंदर लिख देंगे और इसके साथ हमारा सेल जो है एलोकेट हो जाएगा। तो 250 माइनस 250 हो जाएगा जीरो और 350 माइनस 250 हो जाएगा 100। अब जैसे ही ये जीरो हुआ, ये जो हमारा सेल कॉलम है इसको हम लोग डिलीट कर देंगे, ये भी डिलीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला बचा हुआ टेबल, अब इसमें देखिए नॉर्थ वेस्ट है 5 को सॉल्व करेंगे। 5 के साथ हमारे पास सप्लाई है 100 और डिमांड है 350, दोनों में से मिनिमम है 100, तो 100 को हम लोग सेल के अंदर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा जीरो और ये माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 250। अब जैसे ही ये जीरो हुआ, इसके साथ हमारा जो सेकेंड रो है उसको भी हम लोग डिलीट कर देंगे। जैसे इसको डिलीट किया, अब हमारे पास दो एलिमेंट बचे हैं, दोनों में से जो है नॉर्थ वेस्ट ये वाला है, नॉर्थ तो नहीं ये वेस्ट है, तो इसी को हम लोग जो है यूज करेंगे, मतलब चूज करेंगे। और इसके साथ हमारे पास जो है सप्लाई है 400 और डिमांड है 250, दोनों में से मिनिमम है 250, 250 को हम लोग सेल के अंदर लिखेंगे। और 250 माइनस 250 हो जाएगा यहाँ पे जीरो और 400 माइनस 250 हो जाएगा 150। अब हमारे पास बस एक लास्ट सेल बचा है, क्योंकि ये जीरो हो गया तो इसको हम लोग अब कैंसिल कर देंगे। लास्ट वाले सेल के लिए देखिए डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल ही होगा, क्योंकि हमारा टेबल जो था वो बैलेंस था, तो दोनों जो है अब जीरो जीरो हो जाएगा, सारा जीरो हो गया और हमने सारा जो है अंदर यूज कर लिया है सब, क्योंकि क्रॉस आउट हो गया।
डिफरेंस देखिए, हम लोग जो अपना पूरा टेबल को सॉल्व कर लिए हैं और हमारे पास सारा जो ये सब वैल्यू है जीरो हो गया है। अब हम लोग चेक करेंगे जो हमारा ये वैल्यूज आए हैं वो डीजेनरेट है या नॉन डीजेनरेट है। तो देखिए यहाँ पे जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स एलोकेशन आए हैं, तो नंबर ऑफ एलोकेशन होता है, तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एलोकेशन इक्वल टू होता है m+n-1। m है हमारा नंबर ऑफ रोज, n है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रो है हमारे पास 3, 1, 2, 3 तीन ही रो है, और नंबर ऑफ कॉलम है 4। तो 3+4 7 हुआ, 7-1 हो जाएगा यहाँ पे 6। तो देखिए हमारे पास जो है 6 एलोकेशंस आए हैं, और हम और क्या है, ऑल द एलोकेशंस आर इंडिपेंडेंट। हमारे पास जो एलोकेशंस आए हैं वो इंडिपेंडेंट पोजीशन पर है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग वापस इसी पोजीशन पे नहीं आ सकते, एक क्लोज जो है पाथ नहीं बना सकते। तो इसका मतलब जो है हमारा एलोकेशन से वो इंडिपेंडेंट पोजीशन पे है। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग बोल देंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो नॉन डीजेनरेट है, मतलब यहाँ पे डीजेनरेसी का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं, सो द प्रॉब्लम इज नॉन डीजेनरेट। तो हमारा जो प्रॉब्लम जो है वो नॉन डीजेनरेट है। अब हम लोग जो है इस टेबल को एक बार लिख लेते हैं फिर से। तो देखिए ये हमारा जो है टेबल है, यहाँ पे ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वाला टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पर इनिशियल कॉस्ट निकालेंगे, इनिशियल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इनिशियल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाएगा हमारा पास देखिए 200 × 3 + 1 × 50 + 6 × 250 + 5 × 100 + 3 × 250 + 2 × 150। सबको हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो होगा ₹3700। तो ये जो हमारे पास सॉल्यूशन आया है वो हमारा इनिशियल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, मतलब जो हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है कि ये जो सॉल्यूशन है ये ऑप्टिमम है या नहीं है, उसके लिए अब हम लोग मॉडी मेथड का यूज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग अपना स्टेप वन को कम्प्लीट करेंगे। फ्रेंड्स देखिए हम लोग स्टेप टू में ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है वी अप्लाई मॉडी मेथड एंड फाइंड अ सेट ऑफ नंबर्स ui एंड vj फॉर विच ui प्लस vj इक्वल टू cij। ये हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है और हमको ui और vj निकालना होगा ओनली फॉर ऑक्यूपाइड सेल। जो हमारे पास ऑक्यूपाइड सेल है सिर्फ उनके लिए इस फॉर्मूला को यूज करके ui और vj निकालना होगा। तो हम लोग कॉलम और हर एक कॉलम और हर एक रो के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए u1 u2 u3 लिख दिया है, और इस हम लोग कॉलम के लिए लिख देंगे v1 v2 v3 v4। इतना तक काम करने के बाद हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम लोग को किसी एक को जीरो मानना होगा, क्योंकि हमारे पास जो है दो अननोन से और एक वैल्यू दिया हुआ है cij का वैल्यू, जो हमारे पास ये सब है cij का वैल्यू, दो अननोन से। तो देखिए हम लोग उसको जीरो मानेंगे जहां पे हम लोगों का जिस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा एलोकेशन है। तो इसमें दो एलोकेशन, इसमें भी दो एलोकेशन और इसमें भी दो एलोकेशन है। तो किसी भी हम लोग u1, u2, u3 किसी को भी जीरो मान सकते हैं। तो यहाँ पे u1 को जीरो मान लिए। तो जैसे ही हमने u1 को जीरो मान लिया, यहाँ पे देखिए ये वाला ऑक्यूपाइड सेल है, इसके लिए काम करें। तो यहाँ पे देखिए u1 जीरो है, तो v1 का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे होगा 3 - 0 3। तो यहाँ पे हो गया 3 + 0 = 3, इस फॉर्मूला सेटिस्फाई कर गया। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू है 1 है, तो यहाँ पे 0 है, तो 1 - 0 यहाँ पे आएगा 1। ये वाला सेल जो है एलोकेटेड नहीं है, इसके लिए भी सॉल्व नहीं करेंगे, इन दोनों के लिए इसके लिए भी नहीं करेंगे। अब देखिए ये वाले सेल के लिए, इस सेल में जो हमारे पास v2 का वैल्यू है 1, u2 का निकालना है, तो यहाँ पे 1 है, तो 6 - 1 करेंगे, जो वैल्यू है उससे इसको माइनस कर देंगे, 6 - 1 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5। इसके बाद देखिए ये वाला एलोकेटेड सेल है, इसके साथ हमारे पास वैल्यू है 5, तो 5 - 5 यहाँ पे लिख देंगे 0। ठीक इस तरीके से यहाँ पे एलोकेटेड सेल है, इसका इसके साथ हमारे पास जो वैल्यू है v3 का वो 0 है, तो 3 - 0 3। अब हमारे पास ये वाला सिर्फ एलोकेटेड सेल बचा, इसके साथ जो है 2 है और 3 है, तो 2 - 3 यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू हमारे पास -1, 2 - 3 - 1। हम लोग जो है इस फॉर्मूला को
अप्लाई करके देखेंगे तो भी जो है इसी तरीके से वैल्यू आएगा। डायरेक्ट हम लोग को माइनस करते हुए लिखते चले जाना है। इसके बाद का स्टेप है हम लोग को डेल आई जे का कैलकुलेशन। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लिखा है फॉर फाइंडिंग डेल आई जे वी हैव डेल आई जे इक्वल टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे, और ये हम लोग के पास है सिर्फ अनऑक्युपाइड सेल के लिए। ये वाला हम लोग जो काम किए थे ऑक्युपाइड सेल के लिए किए थे और ये अनऑक्युपाइड सेल के लिए करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है हम लोग का रो और कॉलम वाइज नहीं निकलेगा, ये वैल्यू जो हमारा डायरेक्ट डेल आईजे का वैल्यू निकलेगा। तो हमारे पास जो है फर्स्ट अनऑक्युपाइड सेल कौन सा है, ये वाला अनऑक्युपाइड सेल है। तो इसके लिए हम लोग डेल आईजे निकालेंगे। तो ये है हमारा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे डेल 13 इक्वल टू हो जाएगा, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, सी 13 माइनस यू 1 प्लस वी 3। तो इसके साथ जो हमारा वैल्यू आएगा, देखिए सी 13 में वैल्यू है हमारे पास 7 माइनस यू 1 का वैल्यू है 0 और वी 3 का जो वैल्यू है 0, तो 0 0 हो जाएगा यहाँ पे 0, तो ये वैल्यू आएगा 7। तो डेल 13 का वैल्यू आया 7। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट अनऑक्युपाइड सेल है वो है ये वाला, तो ये वाला जो सेल है फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, तो 14 लिखेंगे, इसके साथ फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा सी 14 माइनस यू 1 प्लस वी 4 इक्वल्स टू, सी 14 का वैल्यू है 4 माइनस यू 1 का वैल्यू है 0 और वी 4 का वैल्यू है माइनस 1, तो 0 प्लस माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 5, 0 और 5, यहाँ पे 5 आ गया। ठीक इसी तरीके से जो हम लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे तो देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग एक्चुअल में ये जो अनऑक्युपाइड सेल का वैल्यू है 2, इसके साथ हमारा जो यू का वैल्यू है और इसके साथ जो हमारा वी का वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू को पहले जो है एड कर रहे हैं। तो इसके साथ देखिए यू का वैल्यू है 5, वी का वैल्यू है 3, दोनों को एड कर देंगे, 5 प्लस 3 8 और 2 माइनस 8 करेंगे तो वो वैल्यू क्या आएगा, माइनस 6। तो ये वाला जो वैल्यू आएगा डेल सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसके लिए जो वैल्यू आएगा हमारे पास माइनस 6 आएगा, 2 माइनस 8 की 6। अब इसी तरीके से जो है इसमें ये वाला अनऑक्युपाइड सेल है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो यहाँ पे लिखेंगे डेल 24 इक्वल्स टू क्या होगा, इसके साथ हमारे पास यू का वैल्यू है 5, वी का वैल्यू है माइनस 1, दोनों को एड कर देंगे तो आएगा 4 और 9 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। अब इसके बाद हमारे पास जो है वो ये वाला सेल है, मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो डेल 31, डेल 31 का जो वैल्यू आएगा, देखिए इसके साथ यू का वैल्यू है 3, वी का भी वैल्यू है 3, 3 प्लस 3 किए 6, 8 माइनस 6 करेंगे 2। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला सेल, ये है हमारा थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो डेल 32 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे है, इसके लिए यू का वैल्यू है 3, वी का वैल्यू है 1, दोनों को ऐड करेंगे 3 और 1 4 और 3 माइनस 4 करेंगे तो वैल्यू आएगा माइनस 1। तो देखिए हमारे पास जो है सभी अनएलोकेटेड सेल के लिए जो है डेल का वैल्यू हम लोग का निकल करके आ गया है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो डेल का वैल्यू है वो सब ग्रेटर देन है या नहीं। तो देखिए ये तो ग्रेटर देन है, ये भी ग्रेटर देन जीरो है या नहीं, तो ये भी ग्रेटर देन जीरो है, ये भी ग्रेटर देन जीरो है, ये भी है, ये भी है, दो वैल्यू हमारे पास लेस देन जीरो आया है। तो अब हम लोग इसमें से चूज करेंगे मोस्ट निगेटिव वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई भी एक वैल्यू अगर हमारे पास जो है लेस देन जीरो आ जाएगा तो मतलब हम लोग बोल देंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमम नहीं है। इसका मतलब ये जो हम लोग इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाले थे 3700, ये जो है हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमारा डेल का जो वैल्यू आ रहा है वो सारा ग्रेटर देन जीरो नहीं आ रहा है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि हम लोग उसको और जो है सॉल्व नहीं कर सकते और उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है, इसका मतलब हम लोग इसको और जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम लोग उसको इम्प्रूव करने के लिए काम करेंगे। फ्रेंड्स हम लोग अब सॉल्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए जो डेल का जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है उसको चूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस 6 और माइनस 1 में मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है माइनस 6, तो जो डेल 21 को जो है हम लोग चूज करेंगे, डेल 21 था हमारा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इस वाले वैल्यू को जो है हम लोग चूज करेंगे। इसके साथ हम लोग क्या करना है, तो इस वैल्यू को मतलब इस सेल में जो हम लोग एक कंसीडर कर लेंगे प्लस एक्स नाम का एक वैल्यू, तो ये प्लस एक्स है। अब देखिए ये प्लस एक्स जो हम लोग चल करके जाएंगे इधर, तो हम लोग को इधर से मूव नहीं करना है, मतलब इसी तरीके से आप लोग को जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। तो जहां पे हम लोग का जो वैल्यू को चूज किया उसमें प्लस मान लेंगे, प्लस के साथ हम लोग यहाँ पे से चलना स्टार्ट करेंगे और हम लोग को वापस घूम के उसी जगह पर वापस आना है। तो देखिए यहां से चलना स्टार्ट किए, फिर यहां जाएंगे, क्योंकि हम लोग यहां से डायरेक्ट मूव जो है नहीं कर सकते, पहले यहां पे चेक करना होगा। अगर हम लोग यहां से मूव कर सकते हैं तो इधर से मूव करेंगे,
तो यहाँ चले गए, यहाँ से एक जगह पर इधर चले गए, फिर इधर चले गए, तो यहाँ से हम लोग घूम के वापस नहीं जा सकते। तो फिर से यहाँ से चलेंगे, इधर वापस जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर आएंगे, तो मतलब इस ये वाला जो पाथ हुआ इससे हम लोग घूम के इस पोजिशन पे वापस आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर से गए इधर, फिर यहाँ से गए इधर, फिर यहाँ पर गए इधर, और फिर वापस आके इधर मिल गए। तो यहाँ पे माने हम लोग प्लस एक्स, जब इधर गए तो हम लोग इसको माइनस एक्स करेंगे, फिर इधर जब गए तो फिर से हम लोग इसको प्लस एक्स करेंगे, फिर इधर गए फिर से माइनस एक्स करेंगे। इसी तरीके से पहले हम लोग यहाँ पे मान लेंगे। अब क्या करना है, हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, जो हमारा निगेटिव साइन के साथ जो x आया है उसमें हम लोग चेक करेंगे, जो हम लोग वैल्यू डाले थे मतलब जो एलोकेशन था 200 और 250, इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू है हमारा 200, तो x का वैल्यू हो जाएगा 200। इन दोनों को लेके चेक नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे तो हमारा एलोकेशन ही नहीं है, इन दोनों को लेके देखना है कि हमारा मिनिमम कौन सा है। तो 200 मिनिमम है, x का वैल्यू हो गया 200। तो देखिए यहाँ पे लिखा है वी चूज डेल 21 इक्वल टू माइनस 6, क्योंकि ये जो है मोस्ट निगेटिव है। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, x का वैल्यू हो जाएगा मिनिमम ऑफ क्या, 200 और 250। तो 200 और 250 में से मिनिमम x का वैल्यू होगा ये, तो दोनों में से मिनिमम है हमारे पास 200, तो x का वैल्यू निकल करके आया 200। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, ये जो हमारा टेबल था, क्योंकि ये तो ऑप्टिमल जो है सॉल्यूशन का टेबल नहीं था, तो जो x का वैल्यू आया है जैसे 200 x का वैल्यू आया है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 200 को एलोकेट कर देंगे क्योंकि x का वैल्यू 200 है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे 250 है, तो 250 माइनस x करके मतलब 250 माइनस 200 करके यहाँ पे एलोकेट करेंगे, यहाँ पे प्लस x करके एलोकेट करेंगे और यहाँ पे माइनस x करके एलोकेट करेंगे, मतलब इन चारों को जो है चेंज करेंगे अपना नेक्स्ट पेपर में, बाकी सारा जो है सेल उसी तरीके से लिखेंगे। तो देखिए हमने अब लिखा है मॉडिफाइड सॉल्यूशन इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, तो ये टेबल बना लिया है, जो जिस तरीके से वैल्यू था वहां पे उस तरीके से लिख दिया, बस इन चारों का वैल्यू जो है अभी नहीं लिखा है। तो यहाँ पे देखिए इस वैल्यू को, यहाँ पे देखिए 200 माइनस एक्स है, एक्स का वैल्यू 200 और 200 माइनस 200 करेंगे तो यहाँ पर जो होगा जीरो होगा, मतलब यहाँ पे एलोकेशन नहीं होगा। अब इस वाले पोजिशन को देखिए, यहाँ पे देखिए 50 है, तो 50 प्लस एक्स करेंगे यानी कि 50 प्लस 200 करेंगे तो हो जाएगा 250, तो इस जगह पे है 1 के साथ हम लोग जो है 250 को एलोकेट कर देंगे। अब इस जगह पे देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे कोई एलोकेशन नहीं है, बस प्लस x है, तो x का वैल्यू 200 है, हम लोग डायरेक्ट 200 लिख देंगे, तो यहाँ हमने लिख दिया 200 बस। बाकी अब ये बचा है, यहाँ पे देखिए 250 है, 250 माइनस x करेंगे तो हो जाएगा 250 माइनस 200 यानी कि 50, तो यहाँ पे 6 के साथ हम लोग 50 को एलोकेट कर देंगे। तो अब देखिए ये जो हमारा जो टेबल बन गया है, ये हमारा सॉल्यूशन टेबल है। अभी सॉल्यूशन को हम लोग निकालेंगे नहीं क्योंकि उसे निकालने से कोई फायदा नहीं, हम लोग को पहले चेक करना होगा कि वो ऑप्टिमल है या नहीं। तो हम लोग जो स्टेप किए थे देखिए इस टेबल के लिए, जैसे हमने u1 u2 u3 v1 v2 v3 v4 कैलकुलेट किया, उसके बाद डेल आईजे को कैलकुलेट किया, और अगर डेल आईजे जो हमारा जो है ग्रेटर देन जीरो आ गया तो ऑप्टिमल है हमने बोल दिया। जैसे ये काम हमने इस टेबल के लिए किया था, इसी काम को जो हम लोग सेम अपने नए टेबल के लिए भी करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास टेबल है, यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं u1 u2 u3, यहाँ पे होगा v1 v2 v3 v4, u1 u2 u3 और v1 v2 v3 का वैल्यू जो है हम लोग ऑक्यूपाइड सेल के लिए निकालते हैं। तो देखिए ये वाला सॉरी, सबसे पहले तो हम लोग को जो है जीरो करना पड़ेगा किसी एक को, तो हम लोग देखिए इस वाले पे मतलब U2 के लिए हमारे पास नंबर ऑफ एलोकेशंस जो है मैक्सिमम है, यहाँ पे 3 एलोकेशंस आए, तो इसी को हम लोग जो है जीरो मान लेंगे। अब जैसे हम लोग ने इसको जीरो माना, ये देखिए यहाँ पे जो है ये वाला सेल, क्योंकि हमने इसको जीरो माना है इसलिए पहले इसके साथ जो सेल है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए हमारे पास 2 है, 2 माइनस 0 यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे देखिए 6 है, 6 माइनस 0 यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे 5 है, 5 माइनस 0 यहाँ पे आएगा 5। अब नेक्स्ट क्या है, हम लोग ऊपर से सॉल्व करते जाएंगे, ये 1 है, यहाँ पर इसके साथ है 6 और यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है, तो 1 माइनस 6 यहाँ पर आएगा माइनस 5। इन तीनों के लिए सॉल्व कर चुके हैं, अब ये वाला वैल्यू, इसके साथ हमारे पास 5 है तो 3 माइनस 5 यहाँ पर आएगा माइनस 2। अब इसके लिए देखिए यहाँ पे जो है 2 है तो 2 माइनस माइनस 2 तो यहाँ पे आएगा 4। इस तरीके से हमने जो u1 u2 u3 को पूरा कैलकुलेशन कर लिया। अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप है डेल आईजे को कैलकुलेट करना।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, डेल आईजी को कैलकुलेट करेंगे अनऑक्युपाइड सेल के लिए। तो ये देखिए, ये हमारा पहला अनऑक्युपाइड सेल है, ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब डेल वन वन इक्वल्स टू, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके साथ जो हमारा यू है माइनस फाइव और जो वी है टू, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि माइनस फाइव प्लस टू माइनस थ्री आएगा, और थ्री माइनस थ्री, थ्री माइनस ऑफ माइनस थ्री, तो आएगा हमारे पास सिक्स, तो यहाँ पे आएगा वैल्यू सिक्स। इसके बाद है हम लोग का नेक्स्ट अनऑक्युपाइड सेल है ये वाला, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसके साथ देखिए हमारे पास यू का वैल्यू है माइनस फाइव और इसके साथ वी का वैल्यू है फाइव, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा जीरो, और सेवन माइनस जीरो करेंगे तो वो आ जाएगा सेवन। इसी तरीके से जो हमारे पास ये वाला है फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, इसके साथ हमारे पास है माइनस फाइव और फोर, दोनों को ऐड करेंगे आएगा माइनस वन, और फोर माइनस ऑफ माइनस वन करेंगे तो आ जाएगा फाइव। अब ठीक इसी तरीके से सेकेंड रो के लिए भी करेंगे, तो यहां पे है ये वाला वैल्यू सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, यानी कि डेल टू फोर, यहां पे देखिए इसके साथ है यू का वैल्यू जीरो और वी का वैल्यू फोर, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा फोर, और नाइन माइनस फोर करेंगे तो आएगा फाइव। ओके, इसके बाद थर्ड रो के लिए, ये वाला हमारा थर्ड मतलब फर्स्ट अनऑक्युपाइड सेल है थर्ड रो में, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसके साथ हमारे पास जो है यू का वैल्यू माइनस टू और वी का वैल्यू टू, दोनों को ऐड करेंगे जीरो, एट माइनस जीरो हो जाएगा एट, यानी कि वैल्यू आया एट। ये हमारा लास्ट है थर्ड रो सेकेंड कॉलम डेल थ्री टू, डेल थ्री टू के लिए जो है हमारे पास यू का वैल्यू है माइनस टू, वी का वैल्यू है सिक्स, दोनों को ऐड करेंगे आएगा फोर, और थ्री माइनस फोर हो जाएगा माइनस वन। तो अब देखिए ये हमारा डेल का वैल्यू निकल करके आया है, अब इसमें हम लोग को देखना है कि सारा जो है ग्रेटर देन जीरो है या नहीं। तो सिक्स सही है, सेवन भी सही है, फाइव भी सही है, ये भी फाइव सही है, ये एट भी सही है, लेकिन एक वैल्यू हमारे पास जो है निगेटिव आ गया। हमारे पास जो है एक भी वैल्यू निगेटिव नहीं आना चाहिए, अगर एक भी वैल्यू निगेटिव आ रहा है मतलब सॉल्यूशन ऑप्टिमम नहीं है। तो ये जो है निगेटिव आ गया, तो इसको हम लोग चूज करेंगे डेल थ्री टू को, यहां लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ये लिख दिया है, डेल थ्री टू को चूज कर रहे हैं, तो सेम स्टेप करेंगे, डेल थ्री टू जो है ये वाला वैल्यू है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग एक प्लस एक्स को लिख देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे जो इसको चूज किया, तो थ्री के साथ जो है प्लस एक्स लिख दिया। अब जो यहाँ पे प्लस एक्स है, हम लोग यहां से चलना स्टार्ट करेंगे, तो ये देखिए हम लोग को वापस घूम के इस पोजिशन पर आना है। तो यहां अगर चले गए तो इसको जो है वापस हम लोग कहीं नहीं जा सकते, यहाँ पे कोई एलोकेशन नहीं है, तो हम लोग को जो है इसी पोजिशन से वापस टर्न करना पड़ेगा। तो यहां से हम लोग चलना स्टार्ट किए, यहां से हम लोग यहाँ पे टर्न कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पे टर्न किए, इसके आगे हम लोग जा सकते हैं क्योंकि, लेकिन यहाँ पे कोई एलोकेशन नहीं, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ चले गए तो वापस जो है इससे टर्न नहीं हो सकते, तो हम लोग को वापस होके इस पोजिशन पे आना है, इसलिए हम लोग ये वाला पाथ चूज कर लिए। तो हम लोग जो है ये वाला पाथ चूज हो गया। तो देखिये यहाँ पे प्लस एक्स है लिखे, तो यहाँ माइनस एक्स लिखेंगे, यहाँ माइनस एक्स, किसके साथ यहाँ पे प्लस एक्स लिखेंगे, और यहाँ पे जो है माइनस एक्स लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, जो माइनस यहाँ पे लिखे हैं उन दोनों में से जो है मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 250 है, 50 और 250 में से मिनिमम हमारा 50 है, तो हम लोग 50 को चूज कर लेंगे, यानी कि एक्स इक्वल टू हो जाएगा 50। तो हमारा एक्स का वैल्यू हो गया 50। अब हम लोग को जो है अपना टेबल को जो है अपडेट करके ड्रॉ करना है। देखिये यहाँ पे जो ये चार जो है सेल है, इसको छोड़ करके बाकी सारा जो है सेम रहेगा। तो यहाँ पे जो देखिये हमने टेबल ड्रॉ कर लिया है, और इन चारों का वैल्यू को अभी नहीं लिखा है, तो अब हम लोग कैसे एलोकेट करेंगे यहाँ पे देखिए। तो अब हम लोग कैसे एलोकेट करेंगे, यहाँ पे देखिए सिक्स है, देखिए सिक्स है, और यहाँ पे जो है फिफ्टी है, और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, माइनस एक्स करना है। तो फिफ्टी माइनस एक्स, तो एक्स का वैल्यू है हमारे पास फिफ्टी, फिफ्टी माइनस फिफ्टी कर देंगे तो जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे जो है कोई एलोकेशन नहीं होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये, यहाँ पे है 100 और प्लस एक्स है, तो 100 में एक्स को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 100 एंड 150। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 150। अब हमारे पास ये वाला सेल है, तो यहाँ पे देखिए इसके साथ है प्लस एक्स, हमारे पास जो है एक्स का वैल्यू है 50, तो 3 के साथ यहाँ पे कोई एलोकेशन नहीं, तो 50 को एलोकेट कर देंगे। तो यहाँ पे एक्स का 3 के साथ हो जाएगा 50। अब ये वाला सेल बचा है, तो यहाँ पे देखिए 3 है और 250 है और माइनस एक्स है, तो 250 माइनस 50 करेंगे तो आ जाएगा 200। तो यहाँ पे जो है हम लोग 200 लिख देंगे। अब जो है हमारा ये नया टेबल बन गया है। अब क्या करना है, हम लोग को चेक करना है कि ये
इससे जो हमारा सॉल्यूशन निकल करके आया है वो ऑप्टिमल है या नहीं, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, यू वन यू टू यू थ्री मतलब यू आई और वी जे का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे वी वन वी टू वी थ्री वी फोर, ये यू वन यू आई का वैल्यू हम लोग ऑक्यूपाइड सेल के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन हुए हैं इस वाले रो में, तो यहाँ पे जो है यू थ्री है तो इसको जीरो कर देंगे। अब ये जीरो हो गया तो इसके साथ देखिए थ्री माइनस जीरो ये हो जाएगा थ्री, थ्री माइनस जीरो ये भी हो जाएगा थ्री, टू माइनस जीरो ये हो जाएगा टू, ये वैल्यू निकल करके आ गया। अब देखिए स्टार्टिंग से सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पे वन है यहाँ पे थ्री है, वन माइनस थ्री यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू। उसके बाद इसके लिए अगर देखें तो इसके लिए तो अभी तक हमारे पास दोनों में से कोई वैल्यू नहीं आया है तो इसको हम लोग अभी सॉल्व नहीं कर सकते। इसके साथ हमारे पास ये वैल्यू है इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फाइव यहाँ पे थ्री, फाइव माइनस थ्री यहाँ पे हो जाएगा टू। अब यहाँ पे टू आ गया है और यहाँ पे अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, टू माइनस टू ये हो जाएगा जीरो। तो देखिए हमने सारा वैल्यू को निकाल लिया। अब इसके बाद हम लोग जो है डेल का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो पहला हमारे पास अनऑक्यूपाइड सेल है ये वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डेल वन वन, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसके साथ है माइनस टू और यहां पर है जीरो, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा माइनस टू और थ्री माइनस ऑफ माइनस टू आ जाएगा फाइव, तो यहाँ पे जो है फाइव आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी कि डेल वन थ्री, इसका वैल्यू है यहाँ पे यू का वैल्यू है माइनस टू, वी का वैल्यू है थ्री, दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा वन, सेवन माइनस वन करेंगे तो आएगा सिक्स। अब यहाँ पे है हमारा ये वाला फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम यानी कि डेल वन फोर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे u का वैल्यू है माइनस टू, v का वैल्यू टू, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा जीरो और फोर से उसको माइनस कर देंगे, फोर माइनस जीरो तो यहाँ पे आ जाएगा फोर। इस रो के लिए कर लिए। अब सेकंड जो है हमारे पास ये वाला रो है यानी कि डेल टू टू सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे सिक्स है, इसके साथ u और v को ऐड करना है, मतलब u का वैल्यू है टू और v का वैल्यू है थ्री, दोनों को ऐड किए तो फाइव आया, सिक्स माइनस फाइव करेंगे तो आएगा वन। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है ये वाला सेल यानी कि सेकेंड रो फोर्थ कॉलम यानी कि डेल टू फोर, इसका वैल्यू आएगा हमारे पास यहाँ पे देखिए यू और का वैल्यू टू है, वी का वैल्यू भी टू है, दोनों को ऐड कर दिए तो फोर और नाइन माइनस फोर करेंगे तो आ जाएगा फाइव। अब यहाँ पे देखिए एट है अनऑक्यूपाइड सेल, तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसके साथ हमारे यू वी को ऐड करेंगे, दोनों जीरो जीरो है तो जीरो, एट माइनस जीरो कर देंगे तो आ जाएगा एट। अब देखिए हमारा जो डेल का वैल्यू है सारा ग्रेटर देन जीरो आ गया है, तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा ये वाला जो सॉल्यूशन है ये ऑप्टिमम है, इसको हम लोग और जो है अपडेट करके और जो हम लोग बेटर नहीं कर सकते, यही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखे हैं सिंस ऑल डेल आई जे ग्रेटर देन जीरो तो सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम एंड यूनिक, यूनिक भी होगा और ऑप्टिमम भी होगा एंड इट इज गिवन बाई, सॉल्यूशन क्या क्या होगा वो भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए हमारा जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसमें हमारा वैल्यू आया है 250, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं एक्स वन वन इक्वल टू 250, फिर नेक्स्ट है एक्स टू टू इक्वल टू 200, एक्स टू थ्री इक्वल टू 150, एक्स थ्री टू इक्वल टू 50, एक्स थ्री थ्री इक्वल टू 200, एक्स थ्री फोर इक्वल टू 150, इस तरीके से सॉल्यूशन लिख सकते हैं। और हम लोग क्या करते हैं फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इक्वल्स टू, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाएगा सबको मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे, वन इंटू फिफ्टी सॉरी वन इंटू टू फिफ्टी है प्लस टू इंटू टू हंड्रेड प्लस फाइव इंटू वन फिफ्टी प्लस यहां पे है थ्री इंटू फिफ्टी, तो यहां पे लिख देती हूं मैं थ्री इंटू फिफ्टी प्लस इसके बाद है हमारा ये वाला थ्री इंटू टू हंड्रेड प्लस ये वाला है टू इंटू वन फिफ्टी, तो यहाँ पे हम लोग सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा टू फिफ्टी प्लस फोर हंड्रेड प्लस सेवन फिफ्टी प्लस वन फिफ्टी प्लस सिक्स हंड्रेड प्लस ये थ्री हंड्रेड, सबको ऐड करेंगे यहाँ पे आएगा वैल्यू हमारे पास रुपीस टू फोर फाइव जीरो। अब ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें हम लोग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल को अप्लाई करके जो हम लोग अपना इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाले, उसके बाद हम लोग क्या किए, हम लोग ऑप्टिमैलिटी को चेक करने के लिए जो है बॉडी मेथड को अप्लाई किए और हम लोग के पास जो है फर्स्ट टाइम पे जो है हम लोग का डेल आई जे का वैल्यू निगेटिव आ गया, तो हम लोग और जो है उसको सॉल्व किए।
सेकेंड टाइम हम लोग जब सॉल्व किए तो हम लोग फिर से डेल आई जे का यहाँ पे देखिए डेल आई जे का वैल्यू निकाले, फिर से हमारा जो है एक निगेटिव आ गया, तो फिर से हम लोग जो है सॉल्व किए, उसके बाद जो हमारा टेबल आया वो हमारा इसमें सारा जो है डेल आई जे का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आया, तो हम लोग यहाँ लिख दिए कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमम है और यूनिक भी है। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता तो हम लोग बोलते कि सॉल्यूशन ऑप्टिमम है लेकिन एक अल्टरनेट सॉल्यूशन भी जो है होगा, तो और उसके बाद जो हम लोग सॉल्व करके निकाल दिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइज।